स्टूडेंट को सबसे कम इंटरेस्ट इंग्लिश सब्जेक्ट में आती है, बिकॉज ये रीजन नहीं है कि सामने वाला टीचर अच्छा नहीं होता, रीजन ये होता है सर कि हमारे बेसिक्स काफी कमजोर होते हैं। और सर एक तो पहले से हम लोग का बेसिक्स काफी कमजोर होता है और उसको फिर हम लोग दूर करने का भी प्रयास नहीं करते, वो फाइनली और ज्यादा कमजोर हो जाता है। हम लोगों ने मैथ बचपन से पढ़ा, आज भी पढ़ रहे, बड़ा स्ट्रांग है, तो थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देंगे सर, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा कम है सर माहौल, तो ये हमारा प्री पोजिशन यूज होता है सर अंडर, यानी हम कह सकते हैं सर कि ये जो थ्री बॉयज है, मतलब अगर हम लोग ट्रांसलेट करें इसको तो थ्री बॉयज आर रीडिंग अंडर द स्ट्रीट लाइट, तीन बच्चे स्ट्रीट लाइट के ठीक नीचे पढ़ रहे हैं। तब सवाल है सर कि अंडर का ही प्रयोग क्यों सर, बिनी फॉर बिलो का प्रयोग क्यों नहीं, तो पहले सर हम लोग क्लियर कर ले प्री पोजिशन, फिर हम लोग बारी बारी से उस पर डिस्कस कर सकते। तो सर रूल है हमारा कि अंडर प्रीपोजिशन इज यूज इन फुल कवर्ड एरिया, अंडर प्रीपोजिशन का प्रयोग पूर्ण रूप से घिरे हुए क्षेत्र के लिए किया जाता है, जैसे ऑल ऑफ स्टूडेंट्स वेयर सिटिंग अंडर द रूफ, नॉट बिलो द रूफ, नॉट बीनीथ द रूफ, क्योंकि हम लोग छत से पूर्ण रूप से घिरे हैं। दैट मीन्स आप ये भी कह सकते हैं दूसरी भाषा में कि द पर्सन हु गेन फुल एडवांटेज या फुल डिसएडवांटेज, That type under preposition is used. वैसा व्यक्ति जो पूर्ण लाभ भी उठाता हो और पूर्ण हानि भी उठाता, उसके लिए हम लोग अंडर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे सर इस छत पे अभी हमारे यहाँ धूप खिली है, आपको धूप नहीं लग रही है सर, मीन्स यू हैव गेन फुल एडवांटेज इस रूफ। आफ्टर अगर ये छत टूट जाती है तो यू हैव गेन फुल एडवांटेज, नो सर फुल डिसएडवांटेज। दैट मीन्स ऐसे भी सर कहा भी जाता है एडवांटेज जो सबसे ज्यादा लेगा, डिसएडवांटेज उसके साथ ही सब ज्यादा जुड़ता है, बात भी उसी की होती है जिसमें कुछ बात होता है, नहीं तो सर लोग किसी के लिए समय बर्बाद नहीं करना चाहते हमारे यहाँ, बस कोई बात यहाँ पे भी है। हम कह सकते हैं सर कि अंडर प्रीपोजिशन जो है हमारा वो यूज किया जाता है सर पूर्ण कवर्ड एरिया के लिए, यानी पूर्ण रूप से घिरे हुए क्षेत्र के लिए। हम लोग सेकेंड फ्लोर आते हैं सर, तो सेकेंड प्रीपोजिशन हमारे लिए बिलो है, तो बिलो के बारे में बोला था कि बिलो प्रीपोजिशन इज यूज इन पार्शियली कवर एरिया, पार्शियली कवर एरिया डेट मीन्स आंशिक रूप से घिरा हुआ क्षेत्र, इसको बोलते हैं ना आधा आधा घिरा हुआ। तो सर आप इस स्ट्रीट लाइट को देखे थे, डेट मीन्स सर वो एग्जाम्पल थोड़ा कंक्लियर हो, हम उससे ज्यादा क्लियर एग्जाम्पल आपको करते हैं, वो हमारे पास ये है सर, ये कैप हमारे पास है, ठीक है सर, ये कैप यहाँ रखा है सर, नो वन कैन सी, कोई देख नहीं सकता इसको, दिस कैप इज अंडर पाम, ये कैप हथेली के ठीक नीचे है, एंड सेकेंड ये भी सर हम लोग नीचे रखे हैं, दैट इज कॉल्ड दिख रहा है आपको ये, हाँ, तो दिस पेन इज, दिस मार्कर इज बिलो पाम, बिलो हैंड, जो भी आप दे सकते हैं, ठीक है सर। फिर आ जाए सर हम लोग बिनीथ पे, तो बिनीथ के बारे में ऐसा बोला जाता है कि बिनीथ प्रीपोजिशन इज यूज इन आउट ऑफ रेंज बट गेन फुल एडवांटेज, बिनीथ प्रीपोजिशन का प्रयोग नीचे के अर्थ में किया जाता है तब जब वो उसका पूर्ण लाभ उठाता परंतु वो सीमा से बाहर हो। डेट मीन सर ये क्लियर है यहां से कि डेट इज आउट ऑफ रेंज बट गेन फुल एडवांटेज इज स्ट्रीट लाइट, सर बल्ब यहां चल रहा है, रोशनी आपके पास भी है, दैट इज कॉल्ड अंडर बिलो एंड ऑल्सो बिनीथ, अंडर बिलो एंड बिनीथ, वो आउट ऑफ रेंज है बट गेन फुल एडवांटेज, लेकिन वो उसका पूर्ण लाभ उठा रहे हैं। हमारे फ्रेंड को ही ले लिया जाए तो सर कुछ लड़के इसके अंदर आ रहे हैं, मैक्सिमम लड़के आउट ऑफ रेंज भी होते हैं, दैट मीन्स बिनीथ, लेकिन सर बट गेन फुल एडवांटेज, लेकिन उसका पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। तो सर इस प्रकार हम लोग फाइनली इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं, या और भी हमारे पास आएगा कि जैसे जैसे हम लोग पोजीशन चेंज करेंगे वैसे वैसे हमारा प्री पोजीशन चेंज होगा, देयर इज नॉट डाउट। फिर सर कुछ और भी हम लोग देखे जो पोजीशन को क्लियर करता हो, हम लोग आए सर एक्टर और ऑनडोर पे, अगर इंटरेस्ट थोड़ा कमा रहा है आपको तो आप सर जा सकते हैं, हमारे यहाँ गेट इसी बार लगवाया गया, अभी अमूमन हम लोग खुला ही रखते थे इसलिए कि आने जाने वालों को विद्यालय और मंदिर में कोई रोक नहीं है। हाँ बिल्कुल ध्यान रखें अगले बात सर।
दो हम बोल रहे थे एट डोर और ऑन डोर। सर हम लोग इसके लेके बड़ा कंफ्यूजन में रहते हैं कि वी आर एट डोर वी आर ऑन डोर क्या इसका अर्थ है सर? अंतर इतना ही है सर, जो हम बोलना चाहते हैं सामने वाले लोग हमारे समझ लेते हैं और हम लोग का इंग्लिश बोलने का जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाता है, बट वो गलत होता है। वी आर एट डोर का अर्थ हुआ हम लोग दरवाजे पर हैं। दैट मीन्स द सिचुएशन ऑफ रिंगिंग ए बेल, एक वैसा सिचुएशन जहां पर आप कॉल बेल बजाते हैं, घंटी बजाते हैं, तो सर घंटी बजाने में आप बिल्कुल दरवाजे के चौखट पे खड़े होते हैं। दैट पोजिशन इज एट डोर, वो जो स्थिति होता है वो होता है बिल्कुल दरवाजे पर। तो हम कह सकते हैं सर कि जो कॉलिंग बेल बजाया जाता है उसका जो कंडीशन होता है वो एट डोर होता है। बात रही सर ऑन डोर की, तो सर हम दरवाजे के बाहर एक रिक्शा गाड़ी खड़ा है, तो द रिक्शा पुल अप या रिक्शा जो भी कुछ है इज स्टैंडिंग ऑन डोर, और ऑन डोर करने का अर्थ हुआ सर तो दरवाजे के बाहर जितना दूर भी खड़ा हो सिर्फ दरवाजे के सामने होना चाहिए। कंडीशंस बस इतना ही है, हाँ बिल्कुल सर ऑन डोर सिर्फ दरवाजे के सामने होना चाहिए, ये कंडीशंस है। बाकी सर ये ऐसा कुछ नहीं है कि वो दिखता नहीं है, वो आप उसको पोजिशन को हम लोग जनरली पहले जब तक यूज नहीं करेंगे हम लोग नहीं समझेंगे। थोड़ा और आ जा सर, क्योंकि आज तो आपको लिखना है नहीं सर। हम लोग सर कुछ और प्री पोजिशन को जरा क्लियर करें जहां सर हम लोग आज तक कंफ्यूजन के दौर से गुजरे हैं। हम लोग आते हैं सर बिफोर और इन फ्रंट ऑफ, यहाँ पे सर दोनों का हमारा जो अर्थ होता है वो के सामने होता है। सर बहुत सारे लोगों के अंदर ये कंफ्यूजन पैदा हो रहा है कि बिफोर का अर्थ पहले होता है, वो ऐसा प्री पोजिशन है जो एसएससी नहीं पूछता, जो आप जानते वो एग्जाम में नहीं आता है, या आप कन्फर्म हो लेते इंग्लिश के बारे में जो नॉलेज आपके पास है वो एग्जाम के लिए नहीं है, वो आपके बेसिक स्ट्रांग के लिए नहीं है। बस हम लोगों ने सर 5-6 संस्थान में पढ़ाकर देखा, हम लोग देखिए सर इंग्लिश का लेवल क्या है हमारे यहाँ, जो आपको पता है सर वो बेसिक स्ट्रांग कर लीजिए आप उससे। बिफोर और इन फ्रंट ऑफ, हमने बोला कि बिफोर का अर्थ के सामने होता है और इन फ्रंट ऑफ का अर्थ के सामने होता है। जनरली सर हम लोग प्रयोग के अर्थ में इन फ्रंट ऑफ का भी प्रयोग करते हैं के सामने के अर्थ में, जैसे सर डोंट पार्क द कार इन फ्रंट ऑफ माय गेट, मेरे दरवाजे के सामने गाड़ी पार्क ना करें। आप सर अक्सर पटना में शहर वाले घरों में देखते हैं लिखा रहता है डोंट पार्क द कार इन फ्रंट ऑफ द गेट, कृपया दरवाजे के सामने गाड़ी न लगाए। वो तो ठीक है सर, अगर हम एक और एग्जाम्पल दें देखिए सर, एक एग्जाम्पल है हमारे पास सी इज टेलिंग ए लाई इन फ्रंट ऑफ हर फादर, तो सर हम लोगों ने बड़ा आसानी से इसको क्लियर कर लिया कि वह अपने पिता के सामने झूठ बोल रही है, क्योंकि हमारे सामने ये कंडीशन है सर इन फ्रंट ऑफ कार हम लोग एक समझते हैं उसका अर्थ है के सामने बस। बट सर इन ग्रामेटिकल मिस्टेक दिस इज 100% रॉन्ग, बिकॉज इन फ्रंट ऑफ प्रीपोजिशन इज यूज इन केस ऑफ बिफोर इज एट लीस्ट वन नॉन लिविंग थिंग्स देन द सेकेंड एंड द बिफोर प्रीपोजिशन इज यूज